हेलो दोस्तों, गुड गुड मॉर्निंग। तो फिर से हम आ चुके हैं अपने ब्लॉग पे। तो दोस्तों, अब हम आज आपको दर्शन कराएंगे थल केदार मंदिर के इस सावन पर्व में। आज संडे है तो आप हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी है, थोड़ा सामान ले रहे हैं मंदिर के लिए, फिर हम यहाँ से आगे को चलेंगे। फिर आप बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो थोड़ा सा फल फ्रूट ले लेते हैं दुकान से। ये देखिए पहाड़ों की वादियाँ यहाँ पे बैठ रखे हैं सब लोग। यहाँ पे ये ड्राइवर किस यहाँ पे वह बैठ रखी है, रुपये दे रहे हैं। किसके लिए रुपये दे रहे हो? ये दो निशान, आधा दर्जन केला ले। निशान मिलेगा? हम आप सामान लेने के लिए बढ़ चुके हैं। यहाँ पे सामान मिलेगा तो हम आपको देंगे। बढ़ेंगे यहाँ पे सारे गाड़ियाँ रोक रखी हैं, गाड़ियों की भीड़ देख रही है। भक्तगण बहुत लोग आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे गणपति जी हैं, देखिए भोलेनाथ। दोस्तों थल केदार में श्री लटेश्वर महादेव बड़ावे में यहाँ शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ है, तो यहाँ आके देखिए। और हम यहाँ से ऊपर थल केदार की ओर बढ़ चुके हैं, वहाँ पे हमारे गोविंदा खड़े हैं। थल केदार मंदिर का मार्ग है, ये चलते रहते हैं और यहाँ पे गोविंदा खड़े हुए हैं। पता नहीं किस अफसोस में पड़ रखे हैं यहाँ पे। किस अफसोस में पड़ रखे हो? हैं किस अफसोस में पड़ रखे हो? अफसोस कुछ नहीं है, हम लोग तो हमने इससे पहले भी आपको एक ब्लॉग बना के थल केदार का दिखाया था, और दूसरे पार्ट में हमने लटेश्वर महादेव का दिखाया था। तो अभी हमारे साथी खड़े इतने लोग हैं, एक गाड़ी आ रखी है पूरी, आगे सब लोग चल रहे हैं। लगभग यहाँ से 5-6 किलोमीटर है चलना। तो अभी हमने इतने आगे को चलने हैं, इतना जंगल पार करने हैं। तो ये राधा गिरार का पहाड़ है। मम्मा बोले मस्ती में डोले, जल्दी को चले। तो अब हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, अभी भी बहुत लोग आ रहे हैं पीछे से। किसी किसी को थकान लग गई है और हमारे तो पैर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे छोटे डॉन भी हैं, हमारे दीपांशु भाई भांजा, ये भी आ रहे हैं हमारे साथ। इनको भी नहीं लगी है थकान, आधे भक्तगढ़ पीछे हैं, आधे भक्तगढ़। तो देखो आगे को चल रहे हैं। तो मौसम क्या हो रहा है डरावना, चुड़ैल है मुंह तो लगाओ। करो ना, ये तो खड़े हो गए। कुछ नहीं दोस्तों, तो इतना डरावना हो रहा है। दोस्तों अब हम थल केदार के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, थोड़ा ही सफ़र है। फुसफुस 10-15 मिनट होंगे मेरे ख्याल से। होला लगा है, होला, डरावना जंगल। दोस्तों यहाँ घोड़े भी हैं, आधे भक्तजन नीचे को गए, घोड़े भी आ रहे हैं।
मौसम देखो, का क्या कहना है पर। तो दोस्तों अब हम टुक्के में पहुँच चुके हैं, यानी छलकेदार। जाना माना मंदिर शिव शंकर भोलेनाथ का थलकेदार, थलकेदार। तो देखिए कितना कोहरा लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ तो इतनी भीड़ होगी, अब क्या बोलें आपको। पहले हम अपने ग्रुप वालों को आने देते हैं, घोड़े तो बहुत भीड़ है दोस्तों, खच्चर खच्चर भी आ रखे हैं, घोड़ा डर लग रही है घोड़े को देख के। और यहाँ तो इतने लंगूर हैं भाई साहब, इतनी भीड़ और की है। दोस्तों अरे दोस्त लोग यहाँ पे रुके हैं, आगे की ओर बढ़ चुके हैं, यहाँ हम मंदिर में जाएंगे और रुक रहेंगे। साफ ही हैं पैर दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं थलकेदार के मंदिर। यहाँ सुंदर है भोलेनाथ का, और इतने भक्तगण यहाँ पहुँच रखे हैं, हमारे हमारे गोविंदा गांव है। अरे आधे भक्तगण अभी पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर देखो शिव जी भोलेनाथ मंदिर में आए हैं। कितने घंटी हैं, और चारों ओर देखिए किस टाइप का है, चारों ओर जंगल ही जंगल हैं, और हमारे गोविंदा खो गए हैं। फोटो क्लिक कर रहे हैं थलकेदार। जय माता की। भोले बाबा का चला शिव जी मेरा मां चला, ओ थल के दारा म्याल लगी रो, 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 ओ के दाजू को डोले उठी 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 रो, ओ छन छना छन छना छन छना भोले बाबा वाचना, छन छना छन छना भोले बाबा वाचना, ओ छन छना छन छना भोले बाबा वाचना, छन छना छन छना भोले बाबा वाचना, ओ सच बता दे पार्वती भोले बाबा का छना, सच बता दे पार्वती भोले बाबा भगवती।
तो अब हम लटेश्वर पे देखते हैं तो यहाँ यहाँ से गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान करके आएंगे उसके बाद आएंगे। Oh,